स्ट्रेस तब आता है जब आप किसी चीज में पिछड़ जाते हो। अगर आप अपनी दिनचर्या को अच्छी तरह मैनेज करो तो स्ट्रेस नहीं होता है, लेकिन अगर आप पिछड़ जाते हो और डिसिप्लिन कम हो जाता है तो आपको चिंता होती, मैंने ये नहीं किया, मुझे ये करना चाहिए था, मैंने ये नहीं किया। आप अपनी हेल्थ पर ध्यान नहीं देते, आप सोते ठीक से नहीं है, राइट? आपकी डिसिप्लिन नहीं है। तो व्हेन यू स्लिप आउट ऑफ डिसिप्लिन, तब आपको स्ट्रेस होता है, क्योंकि आपका माइंड बोलता है तुमने ये नहीं किया ठीक। सो पैंडेमिक में स्ट्रेस क्या है? आप घर में ही हो, आप घर में, ये हो सकता है कि कोई एक आध व्यक्ति घर में बीमार हो गया, हो सकता है कि आपके एक आध व्यक्ति बीमार हो गया, जगह ज्यादा कम कम है, आप नहीं पढ़ पा रहे, तो आपको स्ट्रेस होता है क्योंकि आप पढ़ नहीं पा रहे। तो बेसिकली समझना चाहिए कि मैं परेशान क्यों हूं, मुझे कौन सी चीज है जो मुझे तंग कर रही है। तो अगर आप उस चीज को पहचानने लगे और उसको डील करने लगे, चाहे वो नींद आपकी कम आ रही है, या आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे, या योगा नहीं कर रहे, या प्रार्थना नहीं कर रहे, या पढ़ाई नहीं कर रहे, या इंटरनेट नहीं काम कर रहा, आप कारण ढूंढने की कोशिश करो कि आप स्ट्रेस का मतलब परेशान, परेशानी जब बढ़ती रहती है तो तनाव आ जाता है, ठीक है? तो अगर हम ये ध्यान रखेंगे तो आप उस कारण पे चले जाएंगे कि आपका परेशानी किस चीज पर बढ़ रही है, उसको डील कर, ना कि मैं सारा ही स्ट्रेसफुल, नहीं नहीं मैंने ये नहीं किया, अब मुझे ये करूं तो मुझे कुछ राहत मिलेगी। सो इट कैन बी एक्टिविटी, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, बट लार्जर डे डिसिप्लिन इज इंपॉर्टेंट।